हरिद्वार के रुड़की में कार से कांवड़िए की कांवड़ खंडित होने के बाद जमकर बवाल हुआ। कांवड़ियों ने जमकर हंगामा काटते हुए कार चालक के साथ जमकर मारपीट की, साथ ही उसकी कार में तोड़फोड़ कर आग लगाने का भी प्रयास किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से कांवड़ियों को शांत कराया। जानकारी के लिए बता दें कि हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर मंगोर गुरमंडी में कांवड़ियों के लिए शिविर लगाए गए हैं। सोमवार को शिविर में कुछ कांवड़िए विश्राम कर रहे थे। इस दौरान एक कार सवार व्यक्ति शिविर में पहुंचा। कुछ देर बाद जैसे ही कार सवार व्यक्ति वहां से वापस लौट रहा था तो उसकी कार शिविर के पास रखी कांवड़ से टकरा गई, जिससे कांवड़ खंडित हो गई। बता दें कि इसके बाद वहाँ मौजूद कांवड़ियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया। कांवड़ियों ने कार चालक से मारपीट करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते कांवड़ियों ने कार में तोड़फोड़ कर दी और कार को पलट दिया। कांवड़ियों ने कार को आग के हवाले करने का भी प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर कार चालक को कांवड़ियों के चंगुल से और कार को जलने से बचाया। इसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से कांवड़ियों को समझाया और शांत करवाया। इसके बाद पुलिस ने नई कांवड़ देकर कांवड़ियों को अपने गंतव्य की ओर रवाना किया। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि कांवड़ियों को कुछ गलतफहमी हो गई थी, उन्हें समझा बुझाकर शांत करा दिया गया है। फिलहाल मामला शांत है। बड़ा का लेला बोले।